मम्मी साहब, आज वो आराधना आंटी के यहाँ मंगला गौरी की पूजा है। रोहित को परेशान छोड़ के चले तो जाएंगे नहीं, घर ही रहते हैं। हम आराधना को समझा देंगे। टान टान, आराधना आंटी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब पूजा में जा रहे हैं। माय डियर लेडीज, मैं आप सबके लिए नौवारी साड़ीज लेकर आया हूँ। रोहित बेटा। दादी साहब, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान है, पर मैं ठीक हूँ। मेरी और रूही की शादी मेरे लिए महीनों पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी हो रहा है वो बस फॉर्मेलिटी है। रोहित, मेरी बात सुन तो। मॉम, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप फिर कहीं रख कर भूल गई ना? क्या रख के भूली मैं? अपनी स्माइल। That's better. चलिए अपनी साड़ी ले लीजिए। ऑलराइट मॉम, ये आपकी। दादी साहब, दिस इज योर्स। चाची साहब, ये आपके लिए। बुआ साहब, ये आपके लिए। और चारू और कियारा, ये तुम दोनों के लिए। अब फटाफट जल्दी से आप लोग सब तैयार हो जाओ, जल्दी कीजिए, चलो। दादी साहब, कम ऑन, जल्दी से तैयार हो जाइए। ये साड़ी अबीरा भाभी के लिए। घर की सारी लेडीज जा रही हैं, उन्हें भी जाना चाहिए। थैंक्स। ना मेरी जिंदगी में प्यार रहा, ना शादी, पर अगर मैं यहाँ पे थोड़ी भी देर और की तो मैं खुद को भी खो दूंगी। विद्या और दोनों बच्चों को गए काफी देर हो गई है। हमारा ड्राइवर भी नहीं नजर आ रहा। मनीषा काजल, तुम बैठो, हम चलाते हैं। नहीं मम्मी साहब, हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर ने आपको ड्राइव करने से मना किया। आप प्लीज ड्राइव मत कीजिए, प्लीज। दादी साहब, मैं आप सबको ड्रॉप कर देता हूँ। रोहित, मैं नहीं ले जाती हूँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। बिन बुलाए मेहमानों की तरह तो हमारे यहाँ रह ही रही, अब औरों के घर में बिन बुलाए जाने लगी। आराधना आंटी की बहू अबीरा की क्लासमेट थी दादी से, उसी ने इसे बुलाया। अबीरा, हमारे ड्राइवर पता नहीं कहाँ चले गए हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो हमको ड्रॉप कर दे प्लीज। रोहित, थैंक यू, ये साड़ी बहुत अच्छी है। यू आर वेलकम भाभी। अबीरा दादी साहब को लेकर तो जा रही है, इसको एक गड़बड़ ना हो। ये लड़की कैसे गाड़ी चलाती है? सॉरी दादी साहब, वो अभी बारिश का मौसम है तो इंजन बहुत ठंडी पड़ गई है। अब चलिए। पता नहीं कौन सी सिचुएशन में फंस गई मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।